नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो चार का चक्रव्यूह। निशाने पर चाहे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हो, लेकिन निगाहों में 2024 का लोकसभा चुनाव ही है और शायद दिल्ली हो या लखनऊ हो, दोनों इस मिजाज से बखूबी वाकिफ हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से ही होकर निकलता है, खासतौर से तब जब इस देश के भीतर में आधे दर्जन से ज्यादा राज्य ऐसे हो चले हैं जहां पर बीजेपी एक भी सीट ले पाएगी या नहीं ले पाएगी। इसी को लेकर भी एक सस्पेंस की स्थिति अभी भी बनी हुई है और उत्तर प्रदेश में तो 80 लोकसभा की सीटें हैं और ये निगाहों में है और निशाने पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव या फिर निशाने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के लिए इसलिए आकर खड़े हो गए हैं क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की मिसाल अब अगर दिल्ली ने अपने तरीके से नहीं बिछाई तो उसे डर लगने लगा है कि अगर उत्तर प्रदेश गवा दिया या फिर वहां की सियासत को गवा दिया तो 2024 का रास्ता मुश्किल ब मुश्किल होता चला जाएगा। क्योंकि हर कोई भारत के मानचित्र पर जब देखना शुरू करता है तो जानता है तमिलनाडु में बीजेपी को ही नहीं मिलेगा, साथ ही जनता है केरल में बीजेपी को सीट नहीं मिलेगी, ये भी जान रहा है कि पश्चिम बंगाल में भी अब आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में संकट भरा ही होगा। बात चार के चक्रव्यूह में सब होगी, लेकिन देश भर से आई इन चार तस्वीरों को सबसे पहले देख लीजिए। तो चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर संसद में लगातार हो रहे गतिरोध को लेकर है, जहां विपक्ष एक भी दिन संसद की सदन की कार्यवाही को नहीं चलने दे रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर दिल्ली में हुई बच्ची के साथ हैवानियत के बाद अब सियासत शुरू हो गई है, पूरी खबर विस्तार से आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर और तीसरी तस्वीर लंबे समय से चल रहे कर्नाटक में मंत्रिमंडल विस्तार आखिरकार आज हो ही गया है। साथ ही चौथी तस्वीर मध्य प्रदेश में लगातार बाढ़ से बिगड़ते हालातों को लेकर है, जहां 2000 से ज्यादा लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं और सरकार लगातार राहत बचाव का काम करा रही है। तो चलिए सभी इन तस्वीरों पर विस्तार से बात कर लेते हैं। लोकतंत्र का मंदिर कही जाने वाली संसद के मानसून सत्र में जारी गतिरोध दुखद और बेहद चिंताजनक है। पेगागस, किसान आंदोलन और कोरोना के मुद्दे पर लगातार हंगामे की वजह से एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुचारू तौर पर चली हो। ये ब्यौरा चिंता और बढ़ाने वाला इसलिए है क्योंकि 12वें दिन भी संसद में कार्यवाही नहीं हो पाई और अब तक एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब विपक्ष ने जमकर हंगामा ना किया हो। अब तक पूरा सत्र हंगामे के ही बेहद चढ़ा हुआ है और बुधवार को भी यानी कि आज भी यही हाल रहा और राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों में नारेबाजी और शोरगुल होता रहा, जिससे चलते सदन की कार्यवाही को बार बार स्थगित करना पड़ा और लोकसभा में तो सभापति ने चेयर से खड़े होकर हंगामा कर रहे सांसदों से शांत रहने की भी अपील की, लेकिन वो नहीं माने और विपक्ष इस संसद में लगातार जासूसी कांड और किसानों की मांगों को लेकर लगातार सदन में नारेबाजी कर रहे हैं और पोस्टर भी लहरा रहा है। लगातार विपक्ष ऐसी हरकतें कर रहा है ताकि संसद की कार्यवाही ना चल सके, यहां तक कि चेयर के सामने भी पोस्टर लहराए जा रहे हैं। आज सुबह भी 11:30 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही दूसरी बार शुरू हुई तो चेयर पर राजेंद्र अग्रवाल मौजूद थे। कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा होने लगा, जिसे देखते हुए राजेंद्र अग्रवाल विपक्षी सांसदों को समझाने लगे। वो अपनी सीट से खड़े हो गए और राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि माननीय सदस्यगण, पहले ही संसद की मर्यादा भंग हो रही है और उसकी कुछ सीमा भी होती है। चेयर के आगे प्ले कार्ड लाना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होगा। आप प्ले कार्ड लहरा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, वेल में आ रहे हैं, आप ऐसा कुछ मत कीजिए कि चेयर को कार्रवाई चेयरपर्सन को करनी पड़े। प्लीज पुट इन डाउन। ये तमाम बातें राजेंद्र अग्रवाल की तरफ से कही गई और उन्होंने कहा कि चेयर के खड़े होने का हवाला भी उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि यदि सभापति या अध्यक्ष जी को चेयर पर खड़े हुए हैं तो आप थोड़ा पीछे हटिए, मर्यादा के उल्लंघन की सीमा को मत स्पर्श कीजिए और ये उचित भी नहीं है। आप सीट पर जाइए और इसको लेकर नीचे इसे कीजिए, ये स्वीकार्य नहीं है। साथ ही चेयर से खड़े होकर लोकसभा सभापति की इस अपील का भी विपक्षी सांसदों पर कोई असर नहीं दिखा और उनका हंगामा
जारी रहा और इसके बाद भी सभापति ने सदन की कार्रवाई को आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया था। वहीं राज्यसभा में हंगामे को लेकर आज 6 सांसदों को सदन की कार्रवाई से दिन भर के लिए सस्पेंड कर दिया गया। सभी सांसद तृणमूल कांग्रेस के हैं और बता दें निलंबित होने वाले सांसदों पर आरोप है कि वो तख्तियां लेकर सदन के बेल में पहुंच गए थे। डोला सेन, नदीमुल झक, अबीर रंजन, विश्वास को सस्पेंड किया गया है। साथ ही शांता क्षेत्री, अर्पिता घोष और मौसम नूर को भी सस्पेंड किया गया है। और साथ ही बता दें आपको पेगासस जासूसी विवाद सहित कई मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर अड़े विपक्षी सदस्यों ने सदन में जोरदार हंगामा किया और राज्यसभा की बैठक शुरू होने से करीब 15 मिनट बाद ही दोपहर 2 बजे तक के लिए सदन को स्थगित करना पड़ा था। बता दें बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और उन्होंने कार्य मंत्रणा समिति की कल हुई बैठक में कुछ विधेयकों पर भी चर्चा और उन्हें पारित करने के लिए भी समय तय किए जाने के बारे में सदन को सूचित किया। देश की राजधानी दिल्ली में करीब 9 साल पहले 2012 में एक दुष्कर्म की घटना हुई थी जिससे पूरे देश में हर कोई दंग रह गया था। हालांकि घटना के बाद खूब हो हल्ला भी हुआ था, खूब प्रदर्शन भी हुआ था, महिलाओं के लिए सरकार की तरफ से कई महिलाओं के लिए योजनाओं का ऐलान भी हुआ था और इस मुद्दे पर खूब राजनीति भी हुई थी, लेकिन हमने उससे सब कुछ नहीं सीख लिया। हमने ये नहीं सोचा कि और साथ ही ये नहीं सोचा कि किस तरह से हम आगे अपनी बेटियों को महफूज करेंगे। हमने ये नहीं सोचा कि हम किस तरह से देश की बेटियों को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर हमारे देश में सोचा गया तो सिर्फ ये सोचा गया कि कैसे किसी मुद्दे पर राजनीति की जाए, क्योंकि हमारे देश में ये बहुत बड़ी विटंबना है कि हम हर मुद्दे में राजनीति ढूंढ ही लेते हैं। दरअसल आज इस बात का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस दिल्ली में केंद्र सरकार बैठकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, उसी दिल्ली में एक बार फिर से हैवानियत का एक बच्ची शिकार हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के कैंट इलाके में एक 9 साल की बच्ची की संदिग्ध हालत में मौत के मामले में अब सियासत तेज हो गई है। आज पीड़ित परिवार से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस नेता राहुल गांधी मिले। वहीं कल आप विधायक राखी बिडलान, भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर और दूसरे दलों के नेता ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। मामले में अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। साथ ही बच्ची के घर वालों का आरोप है कि वो रविवार को शमशान घाट पर पानी भरने गई थी और वहां बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई और आनन फानन में शव को जलाने की कोशिश की गई। हालांकि पुजारी का कहना है कि कूलर से पानी भरते वक्त बच्ची को करंट लग गया जिससे उसकी मौत हो गई। आरोप है कि जब बच्ची की मां शमशान घाट पहुंची तो पुजारी ने पुलिस का डर दिखाकर बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया। 2 घंटे बाद जब परिवार गांव पहुंचा तब गांव वाले परिवार के साथ वापस आए और चिता बुझाई और अधजले शव को वहां से निकाल लिया। वहीं बता दें कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे तब उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। यहां पर कुछ लोगों ने अरविंद केजरीवाल का विरोध किया, हालांकि बाद में मुख्यमंत्री वहां मौजूद मंच पर जरूर पहुंच पाए, लेकिन यहां भी वो मंच से गिर गए और बाद में उन्हें सुरक्षा कर्मियों ने संभाला और इसके बाद अरविंद केजरीवाल गाड़ी में बैठकर वापस रवाना हो गए। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये बता देते हैं कि इस पूरे मामले में कब क्या हुआ। घटना की पूरी टाइमलाइन। रविवार रात यानी कि 1 अगस्त की रात लगभग 10:30 बजे PCR कॉल से पुलिस को सूचना मिली कि पुरानी नांगल गांव के शमशान घाट में 9 साल की बच्ची को गलत काम करने के बाद मार दिया है और उसके शव को जलाया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची तो लगभग 200 लोगों की भीड़ शमशान घाट में मौजूद थी। जिस चिता में बच्ची के शव को जलाया गया था उसे पानी डालकर बुझा दिया गया था। अवशेष पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजे। फोरेंसिक टीम को जांच के लिए बुलाया। लोगों ने रात को ही पुरानी नांगल पंखा रोड पर प्रदर्शन किया। 2 अगस्त की तारीख को पुलिस ने एफआईआर दर्ज की जिसमें 304A, 342, 201 और 34 IPC की धाराएं लगाई गईं। पंडित राधेश्याम के साथ साथ लक्ष्मी नारायण, कुलदीप और सलीम को गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस का कहना है कि बच्ची की मां ने शुरुआती जांच में बताया था कि रविवार को शाम 5:30 बजे बच्ची पानी भरने के लिए शमशान घाट गई थी। लगभग 6 बजे पुजारी ने उसे बुलवाया और बताया कि बच्ची वाटर कूलर से पानी भर रही थी, उसे करंट लगा और वो मर गई। बच्ची के बाएं हाथ और कोहनी में जले निशान भी दिखाए और बच्ची के हाथ नीले थे। बच्ची की मां ने पुलिस को यह भी बताया कि शमशान घाट के पंडित ने बच्ची की मां से कहा कि अब पुलिस को सूचना देकर क्या फायदा, शव को पोस्टमार्टम कराया जाएगा, उसकी आंख और अन्य अंग निकाल लिए जाएंगे, इससे अच्छा है कि इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। जिसके बाद पंडित ने बच्ची के पिता को भी शमशान घाट में बुलवा लिया और फिर माता पिता के सामने ही बच्ची का शव का अंतिम संस्कार कर दिया। बच्ची की मां के 164 के बयान मजिस्ट्रेट के सामने करार दिए गए थे। पुजारी ने पुलिस के सामने पूछताछ में ये ही बताया कि बच्ची की मौत करंट लगने से हुई है। सोमवार सुबह से ही लोगों का प्रदर्शन जारी रहा और रात लगभग 8 बजे राष्ट्रीय SC/ST आयोग की समिति वहां पहुंची और बच्ची के परिजनों से पूछताछ की, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में SC/ST एक्ट, पॉस्को एक्ट, रेप की धारा को भी जोड़ने को कहा। पुलिस ने सोमवार रात को ही उक्त धाराएं जैसे कि SC/ST एक्ट 302, 376 और 506 IPC की आरोपियों में खिलाफ दर्ज FIR में जोड़ दी। चारों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। मंगलवार को सुबह लगभग 10:30 बजे आप विधायक राखी बिडलान पहुंची थी। मंगलवार दोपहर लगभग 12:50 पर भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। लगभग 12 बजे कांग्रेस के पूर्व विधायक जय किशन भी पहुंचे थे। लगभग दोपहर 12 बजे नई दिल्ली रेंज के जॉइंट CP जसपाल सिंह भी पहुंचे और उन्होंने पीड़ित परिजनों और प्रदर्शन कर रहे लोगों से बातचीत कर निष्कर्ष जाँच का आश्वासन दिया। बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। बताया गया है कि जांच दिल्ली कैंट थाने से लेकर डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन यूनिट को सौंप दी है और जांच ACP करेंगे। 60 दिनों में चार्जशीट दाखिल कर ली जाएगी। हालांकि अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस और BJP आमने सामने आ गई है। अब कहां चले गए दलितों की बात करने वाले राजनीतिक दल और वो नेता जो दिन रात दलित दलित करते हैं, लेकिन जब दिल्ली में एक दलित बेटी को बलात्कार किया गया, मारने के बाद उसके शव को जिस तरीके से बर्बरता से जला दिया गया, उस समय वो दलित राजनीतिक दल और दलित नेता दिखाई नहीं पड़ रहे। उस समय तो अगर कोई दिख रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने उस पीड़ित परिवार से मिलकर उस परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। आज जब जरूरत सबसे ज्यादा थी उस दलित परिवार को सहारे की, तब तो श्री राहुल गांधी जी दिखे। वो दलितों की बात करने वाले राजनीतिक दल और वो नेता तो जाकर अपने मुंह पर टेप लगाकर सत्ता की गोद में जाकर बैठ गए। अब जब चुनाव आएगा तब वो फिर आकर बाहर बरसाती मेंढक की तरीके से दलित दलित चिल्लाना शुरू करेंगे। दलित समाज आपका सच्चाई, आपका सच जान चुका है। वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता की चाटुकारिता कर सकते हैं, दलितों की लड़ाई नहीं लड़ सकते। हमें गर्व है अपने नेता श्री राहुल गांधी जी पर, जिन्होंने दलितों को जाकर इंसाफ दिलाने की मांग की और लगातार उनके साथ मजबूती से कांग्रेस पार्टी श्री राहुल गांधी जी खड़े हैं। आज राहुल गांधी जी ने, हमें कोई आपत्ति नहीं है, देश है, लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल वी शुड स्टैंड फॉर जस्टिस, इसमें कोई दो मत नहीं, मगर सिलेक्टिविज्म, ये जो चयनात्मक राजनीति और रेप जैसे जघन्य अपराध से राजनीति करने का प्रयास, ये उचित। मैं आपको अभी राजस्थान का उदाहरण दे रहा था, पंजाब का उदाहरण सुन के आपका दिल दहल जाएगा। पंजाब में होशियारपुर में जिस प्रकार से एक 6 साल की दलित बच्ची के साथ, नाबालिग 6 साल की, दो युवकों ने टांडा गांव में अक्टूबर के महीने में उसका रेप किया, जिस प्रकार से बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या की गई, होशियारपुर की यह दलित बेटी क्या ये हिंदुस्तान की बेटी नहीं है राहुल गांधी? इस केस में दिल्ली सरकार सबसे बड़े से बड़ा वकील कोर्ट में लगाएगी ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सख्त से सख्त सजा दिलवाई जा सके। दूसरा, अपने दिल्ली में कानून व्यवस्था को ठीक करने की बहुत जरूरत है। कानून व्यवस्था में दुरुस्ती लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि इस बारे में ठोस कदम उठाए जाएं और हम अपनी तरफ से उसमें पूरा सहयोग करेंगे। जो भी केंद्र सरकार हमसे कहेगी, हम वो पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन दिल्ली में, दिल्ली देश की राजधानी है,
वहाँ अगर इस तरह की घटनाएं घटती है तो ये अच्छा मैसेज नहीं जाता, लोग असुरक्षित भी महसूस करते हैं और पूरी दुनिया के अंदर भी ये मैसेज अच्छा नहीं जाता कि दिल्ली की देश के भारत की राजधानी के अंदर इस तरह की हरकत हो रही है। तो हमें साथ साथ अपनी कानून व्यवस्था को भी दुरुस्त करने की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। कर्नाटक के नए मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। राज्यपाल यथावत चंद्र गहलोत ने मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई और शपथ ग्रहण कार्यक्रम में सीएम बसवराज बोम्मई भी मौजूद रहे। बता दें बीएस येदियुरप्पा की जगह मुख्यमंत्री बने बसवराज बोम्मई की नई टीम ने आज शपथ ले ली है। जी हां, बुधवार को कुल 29 मंत्रियों ने शपथ ली है और नई कैबिनेट में 7 मंत्री ओबीसी, 3 एससी, 1 एसटी और 8 लिंगायत समुदाय से हैं, जबकि 1 महिला मंत्री बनाई गई है। वहीं बुधवार सुबह ही आज ही तय हुआ था कि राजभवन में दोपहर 2:15 पर शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा। बसवराज बोम्मई ने हाल ही में नई दिल्ली का दौरा किया था, जिसके बाद ही मंत्रिमंडल के नाम पर मोहर लग गई थी। कर्नाटक में हाल ही में बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद से ही पार्टी की ओर से बसवराज बोम्मई की राज्य को कमान दे दी गई थी और ऐसे में बसवराज बोम्मई के पिता भी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो बता दें आपको, कर्नाटक के नए मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है और राज्यपाल थावर चंद्र गहलोत ने मंत्रियों को पद की शपथ भी दिलाई और ऐसे में शपथ ग्रहण कार्यक्रम में सीएम बसवराज बोम्मई भी मौजूद रहे। साथ ही बीएस येदियुरप्पा की जगह मुख्यमंत्री बने बसवराज बोम्मई की नई टीम ने आज शपथ ली है। बता दें 29 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें कैबिनेट में 7 मंत्री ओबीसी, 3 एसएससी, 1 एसटी और 8 लिंगायत समुदाय से मौजूद हैं, जबकि 1 महिला मंत्री को भी कैबिनेट में जगह दी गई है। बता दें आज सुबह ही ये तय हुआ था कि राजभवन में आज दोपहर 2:15 पे शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा। बोम्मई ने हाल ही में नई दिल्ली का दौरा भी किया था, जिसके बाद ही मंत्रिमंडल के नाम पर मोहर लग पाई थी और कर्नाटक में हाल ही में बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद पार्टी की ओर से बसवराज बोम्मई की को राज्य की कमान सौंप दी गई थी। साथ ही बोम्मई के पिता भी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। देश में मॉनसून इस समय पूरी तरह से सक्रिय हुआ हुआ है और इसीलिए मैदान से लेकर पहाड़ों तक हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है और मध्य प्रदेश में इस समय बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित है और दरअसल मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल संभाग में बाढ़ से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश ने प्रदेश के 4 जिलों को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। बाढ़ प्रभावित शिवपुरी में फंसे 3 लोगों को बचा लिया गया है और जबकि अन्य 5 के लिए बचाव अभियान अभी भी जारी है। बाढ़ के हालातों से निपटने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों की आपात बैठक ब्यूरो ने ली है। बता दें कि प्रदेश के शिवपुरी, श्योपुर, ग्वालियर और दतिया में लगातार हो रही बारिश से लगभग 1171 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। शिवपुरी में 200 से ज्यादा गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ की स्थिति गंभीर है। शिवपुरी, श्योपुर कला, दतिया, ग्वालियर, गुना, भिंड और मुरैना अभी 1225 गांव प्रभावित है। अब तक जो लोग हमने सुरक्षित निकाले हैं, श्योपुर के 32 गांव में 1500 लोग फंसे हुए थे, शिवपुरी के 90 गांव में 2000 लोग फंसे थे, दतिया, ग्वालियर, मुरैना, भिंड कुल मिला के लगभग 240 गांव थे। SDRF, NDRF, आर्मी, BSF सब ने मिलकर लगभग 5950 लोगों को सुरक्षित निकालने में सफलता प्राप्त की है। अभी तक की जानकारी के हिसाब से 1950 लोगों को
बॉन्ड निकालने के प्रयास लगातार जारी है। खराब मौसम के कारण एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में कठिनाई आ रही थी, आज फिर एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से भी बचाव का काम प्रारंभ किया है। आर्मी और बीएसएफ की टीम भी लगी हुई है, एनडीआरएफ की तीन टीमें पहले से थी, दो टीमें और अभी आ रही है। आर्मी के 4 कॉलम और हमारे एसडीआर की 70 से ज्यादा टीमें लगातार प्रशासन के साथ बचाव के कामों में लगी हुई है। पार्वती, पुनो, सिंध समेत कई नदियां इस समय उफान पर हैं। सिंध नदी पर मंडी खेड़ा डैम लबालब भरने पर सभी 10 गेट खोल दिए गए हैं, जबकि सोमवार रात को ही इसके 8 गेट खोल दिए गए थे और इसकी वजह से सुबह शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड और दतिया जिले में कई गांव पानी में डूब गए। लोगों को बचाने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, एयरफोर्स के बाद अब सेना को भी बुला लिया गया है। मंगलवार की दोपहर को बचे 2 गेट और खोल दिए गए और भारी मात्रा में पानी आने से सिंध नदी किनारा तोड़कर बह रही है। बता दें, बाढ़ में दतिया के रतनगढ़ माता मंदिर जाने वाला पुल और लांच पिछोर को जोड़ने वाला पुल टूटकर बह गया है। संवेदना में भी पुल पर पानी ओवरफ्लो होने की स्थिति पहुंच चुका है और डैम के गेट खुले जाने की वजह से आसपास के गांवों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ग्वालियर में हरसी बांध से सोमवार देर रात 3,00,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया था और इसी वजह भीतर वार्क में सिंध और पार्वती नदी उफान पर आ गई है। प्रशासन ने मंगलवार सुबह शिवपुरी की सीमा से लगे खरिया गांव में खाली करा लिया है और साथ ही यहां 10 से 12 गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब तक 5 हमारे हेलीकॉप्टर 4 ग्वालियर में और 1 शिवपुरी में। खराब मौसम के कारण मैंने बताया कि कल केवल कुछ काम हो पाया था, आज फिर काम प्रारंभ किया है। अभी जो हमारी दिक्कत है, क्योंकि राहत मिली है हमको शिवपुरी में, क्योंकि पार्वती नदी का जो जल स्तर है वो अब बारिश कम हो गई है और जल स्तर कम होना शुरू हुआ है। मैं अलग अलग जिलों की स्थिति भी आपको बताना चाहता हूँ। ग्वालियर में पानी अभी रुका हुआ है, पाटर डेविन हुआ है, बाढ़ से 40 गांव प्रभावित है और 17 रेस्क्यू स्थल है, 15 में काम पूरा हो गया है, 2 पे काम चल रहा था। 3,000 लोगों को राहत कैंपों में रखा गया है, 13 स्थान पर राहत के कैंप लगाए गए हैं। दतिया में बाढ़ भी पहुंच गई है, पाली में रेस्क्यू का काम चल रहा था, 36 ग्रामीण भागवत है, 18 रेस्क्यू स्थल है, 16 में काम पूरा हो गया है, लोग लगभग 1100 को रेस्क्यू किया जा चुका है। वाटर लेवल दतिया में भी अब कम हो रहा है, 1 स्थान से एयरलिफ्ट किया गया है, पुजारी जी को मोटर बोट से बढ़ाया गया है, अंदर बचाया गया है, सभी मुख्य मार्ग बंद है, NH3 भी सुरक्षा की दृष्टि से बंद किया गया है, उस पर 1 स्थान पर ट्रैक आया है। आप जानते हैं रतनगढ़ का पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और एक पुल और बढ़ चुका है। शिवपुरी में भी मैंने जैसा बताया वाटर लेवल अब घट रहा है, 22 प्रभावित गांव हैं, रेस्क्यू का काम वहाँ लगातार चल रहा है, राहत के कैंपों में भी लोगों को रखा गया है, 8 से 1 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, भिंड और ग्वालियर में 1171 गांव बाढ़ में घिरे हुए हैं, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वायुसेना की मदद ली जा रही थी, लेकिन दिन भर खराब मौसम ने बचाव कार्य में बाधा पैदा की। शाम को कुछ इलाकों में वायुसेना के हेलीकॉप्टर पहुंचे और लोगों को सुरक्षित निकाला गया। बाढ़ का पानी आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर भर गया, जिसकी वजह से हाईवे बंद हो गया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी और श्योपुर के लिए मंगलवार को सेना की एक एक टुकड़ी रवाना कर दी गई। सेना की ये टुकड़ियां झांसी और बबीना से भेजी गई है और हर टुकड़ी में 80 जवान शामिल हैं और इसके साथ ही एनडीआरएफ की दो टीमें लखनऊ और बनारस से भेजी जा रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा कर सेना की मदद के लिए अनुरोध किया था। इन डैमो के गेट खोले गए। राजगढ़ के कुंडालिया के 11 में से 2 और मोहनपुरा डैम के 17 में से 4 गेट खोल दिए गए हैं। इसी प्रकार गुना की गोपी कृष्ण डैम के 5 में से 2, बैतूल के पारस दोहो डैम के 6 में से 1 और पन्ना के पवाई डैम के 9 में से 3 गेट खोले गए हैं। एहतियातन डैम और नदी के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया है। विदिशा संजय सागर डैम के 2 गेट खोले गए। विदिशा जिले के शमशाबाद में संजय सागर डैम के 2 गेट खोल दिए गए हैं। बांध में कैचमेंट एरिया में अच्छी बारिश के चलते गेट खोले गए हैं। निचली बस्तियों और गांवों में अलर्ट भी जारी किया गया है। इस साल पहली बार नए गेट खोले गए हैं और पिछले साल गेट खोलने की नौबत नहीं आई थी। अभी इन डैमों के गेट नहीं खुले। मध्य प्रदेश के बड़े डैमों की बात करें तो बाणसागर, शहडोल, बरगी, जबलपुर, गांधी सागर, मंदसौर, इंद्र सागर, खंडवा और तवा डैम सिवनी के एक भी गेट नहीं खुले हैं। खंडवा, इंद्रा सागर और ओंकारेश्वर बांध का जलस्तर सामान्य गेट खुलने की संभावना नहीं है और निमांड और नर्मदांचल संभाग में कम बारिश के चलते अभी तक नर्मदा में उफान की स्थिति नहीं बनी है। यही कारण है कि इंद्रा सागर और ओंकारेश्वर बांध में जलस्तर सामान्य बना हुआ है। फिलहाल दोनों बांधों के गेट खुलने की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। बता दें कि मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश और उफानी नदियों के चलते विकट स्थिति बन गई है। नदियां उफन रही हैं और कई राज्य भीषण बाढ़ की चपेट में आ गए थे। मध्य प्रदेश के 394 से ज्यादा गांवों में बाढ़ ने तबाही मचाई थी। मध्य प्रदेश में पिछले महीने से बारिश की वजह से होशंगाबाद सहित मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ आ गई थी। प्रदेश में स्थिति इतनी विकराल हो गई थी कि जलमग्न क्षेत्रों से लोगों को बचाने के लिए शनिवार को सेना और एनडीआरएफ को उतारा गया था। राज्य के 9 जिलों के 394 से ज्यादा गांवों में बाढ़ से तबाही मच गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो देखा आपने किस तरह से मध्य प्रदेश के तमाम जिले समय बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित हैं और इसीलिए सरकार की तरफ से लगातार राहत बचाव का काम कराया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द सभी लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।